फंजाई के स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि वाई डू वी स्टडी फंजाई, ये फंजाई को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी क्या खास बात है। तो इनकी एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये स्मॉल ग्रुप जो है, जो स्मॉल ग्रुप इन द सेंस कि बहुत सिंपल ग्रुप है, प्रिमिटिव ग्रुप है प्लांट किंगडम का, इसमें इनके रोल मैनकाइंड के लिए और हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे लिए बहुत काम आते हैं, जिनमें कई पार्ट्स में इनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इन फंजाई को देखते हैं कि दे हैव रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। हमारी सॉइल हमारे क्रॉप्स के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी फर्टिलिटी में इनका रोल क्या है। फंजाई जो सॉइल में अवेलेबल होते हैं, ये सॉइल को फर्टाइल क्यों बनाते हैं, क्योंकि दे डिकम्पोज वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और उसको डिकम्पोजिशन के बाद ये उससे जो कॉम्प्लेक्स उसके कंपाउंड्स हैं उनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट्स इसका एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बाकी पार्ट जो सॉइल में आता है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो सॉइल फर्टिलिटी में उनका रोल है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रोल इनका एडिबल फंजाई का हमारी लाइफ में है। आप लोग जानते हैं कि एडिबल फंजाई में आप सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में जो कमर्शियल बेसिस पर अवेलेबल है वो मशरूम्स हैं। मशरूम्स के अलावा भी हम कई तरह के फंजाई को अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एडिबल फंजाई में कई वैरायटी हैं जिनमें हम कहते हैं सैडल फंजाई, सैडल फंजाई, हेलबेला, हेलबेला, और इसके अलावा मोकेला, प्लूरोटस, लाइकोपर्डोन और भी कई एगेरिकस, ये जो कॉमन फंजाई हैं ये एडिबल फंजाई की तरह से काम आते हैं, और इनको इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए इनकी वैल्यू अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए फंजाई की इम्पोर्टेंस फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और इनका यूज़ है, ये इंडस्ट्री में ये वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेज में आपको मालूम है कि एसिड प्रोडक्शन में एस्परजिलस नाइगर, ब्लैक फंगस एस्परजिलस नाइगर, जो कि जिसका यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, वो एसिड बनाने के लिए, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, म्यूकर का यूज़ होता है फ्यूमेरिक एसिड बनाने के लिए, और भी कई तरह के ऐसे फंजाई हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एसिड प्रोडक्शन में। बेकरी एंड ब्रूअरी में अगर इनका यूज़ ना होता तो आज हम पता नहीं क्या करते इस मॉडर्न ज़माने में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक जना रेलिश करता है नान और जलेबी और कई तरह की चीज़ें, वो सब जो चीज़ें हम खाते हैं वो बेकरी में, जो हम बिस्किट्स खाते हैं या और चीज़ें खाते हैं, उसमें हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। यीस्ट में एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसकी यूटिलिटी बेकरी में बहुत ज़्यादा है, वैसे ही उसकी यूटिलिटी ब्रूअरी इंडस्ट्री, अल्कोहल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये यीस्ट फंगस को यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है कि इसके फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम आटा बनाते हैं, डो बनाते हैं नान बनाने के लिए या इस फर्मेंटेड चीज़ बनाने के लिए, उसको लाइट कर देता है और उसको फुला देता है। इसका मतलब है इट रेजेज द डो एंड मेक्स इट लाइट, जिसकी वजह से हमारी बेकरी इंडस्ट्री चलती है, और CO2 का उसमें बहुत बड़ा रोल है जो कि यीस्ट के ऐड करने से होता है। तो हमेशा यीस्ट की इम्पोर्टेंस या सैक्रोमाइसिस की इम्पोर्टेंस बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर इथाइल अल्कोहल ये यीस्ट प्रोड्यूस करती हैं तो
वो अल्कोहल से हम कई तरह के ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं जो कि ब्रूरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं. जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं जिनमें अल्कोहल की क्वांटिटी है, वो यीस्ट के ऐड करने से हमारे इंडस्ट्री ये चलती है. विटामिन्स, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि विटामिन्स, विटामिन बी, जैसे फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स है, सैक्रोमाइसिस की का यूज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. और उसके अलावा विटामिन ए का प्रोडक्शन रोडोटोरुला नाम का एक फंगस है जो कि विटामिन ए प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है. तो ये इंडस्ट्रियल यूजेस में एंजाइम्स के लिए, इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम जो है ये सीरीविसी सैक्रोमाइसिस सीरीविसी जो इसकी स्पीसीज है वो जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है. और ऐसी इन्वर्टेज और कई तरह के एंजाइम्स हैं जो कि फंजाई के थ्रू हमें मिलते हैं. चीज़ मेकिंग में, चीज़ हमारे देश में भी अब पॉपुलर है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में चीज़ के बिना वेस्टर्नर्स का काम नहीं चलता. वैरायटी ऑफ चीजेस आर अवेलेबल इन वेस्टर्न कंट्रीज और चीज़ उनका मेन डाइट है वेस्टर्न कंट्रीज में. तो चीज़ कैसे बन जाता है? कुछ फंजाई ऐसे हैं जो मिल्क को कोएगुलेट करते हैं. उनका रोल क्या है कि मिल्क को कोएगुलेट करके चीज़ में कन्वर्ट कर देना. जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम कैमम्बर्टाइज, पेनिसिलियम रेक्वाफोर्टाइज, दीज फंजाई आर नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीज. कोएगुलेट, मिल्क को कोएगुलेट करके चीज बनाते हैं. और कई चीज तो ऐसे होते हैं, यू कैन सी the mold growing on the top of the cheese. हमारे कंट्री में भी अब ये अवेलेबल हो रहा है, लेकिन वहाँ बहुत कॉमन आपको फूड शॉप्स में दिखेगा कि चीज़ के ऊपर फंगस, यू एक्चुअली सी द ग्रोथ ऑफ फंगस जो कि एडिबल फंगस है. तो ये इंडस्ट्रियल यूजेज हैं. मेडिसिन के केस में आपको मालूम है पेनिसिलिन की कहानी. पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि 1928 में डिस्कवर हुआ था या एक्सट्रैक्ट हुआ था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन उसके बाद 1945 में उनको दो और लोगों के साथ इसमें नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन यूजिंग पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम वो फंगस है जिससे कि हमने सबसे पहला पेनिसिलिन निकाला जो कि एंटीबायोटिक है. अब आज हम लोग जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना रहे हैं वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में अगर आप कभी चले जाएं पुणे में, पिंपरी में, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम से भी ज़्यादा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम का यूज़ ज़्यादा हो रहा है एंटीबायोटिक बनाने के लिए. इसी तरह से कई सारे और एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे ग्रीसियोफुलविन. ग्रीसियोफुलविन दूसरा एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन पेनिसिलियम ग्रीसियोफुलविन से एक्सट्रैक्ट जिसको करते हैं. पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो कि फंगल ओरिजिन के हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिस या बैक्टीरियल ओरिजिन के तो कई सारे एंटीबायोटिक्स हमें मालूम हैं, लेकिन फंगल ओरिजिन के भी पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे बन गए. और भी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि फंजाई का यूज़ करके ही बनती हैं. जैसे हमने पहले एरगट के बारे में डिस्कस किया था कि एरगट एक ऐसा क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक फंगस है जो ग्रोथ जिसकी होती है, जो कि पैरासिटिक फंगस है. वो हमेशा राई के प्लांट में उसका इन्फेक्शन होता है. राई के अलावा और भी प्लांट्स में करता है, लेकिन राई के प्लांट में उसके स्टिलोशिया बन जाते हैं. स्टिलोशिया हमने पहले डिस्कस किया था कि वो हार्ड ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं. एंड ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दीज स्टिलोशिया जर्मिनेट
एंड गिव राइज टू न्यू माइसीलिया ऑफ फंगस. लेकिन ये स्क्लेरोशिया हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में कि क्लेविसेप्स के जो स्क्लेरोशिया हैं ये स्क्लेरोशिया के अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं. कुछ ऐसा एल्कलॉइड होता है जो कि पॉइजनस है. इफ़ यू ईट इट इट इज़ फेटल. ये डेथ इससे हो सकती है. लेकिन अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी ली जाए तो इससे जो ड्रग बन रही है वो ड्रग चाइल्ड बर्थ के टाइम में उसको एक्टिवेट करने के लिए या हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए उससे बनाई जाती है. उसके अलावा बहुत सारे और फंजाई ऐसे हैं, फोमीज या डालडिनिया, ये सब फंजाई हैं जिनसे और भी कई तरह की ड्रग्स बनती है. साइक्लोस्पोरिन सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग जो कि किसी भी ट्रांसप्लांटेशन में, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ज़िंदगी भर एक पेशेंट को लेनी पड़ती है. सपोज़ किडनी ट्रांसप्लांट किसी पर्सन का होता है तो उसको लाइफ लॉन्ग साइक्लोस्पोरिन लेनी पड़ती है. साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा से या और भी कुछ फंजाई से एक्सट्रैक्ट होती है और ये साइक्लोस्पोरिन जो है ये इम्यून सिस्टम को वीक करती है. इम्यून सिस्टम को इसलिए वीक करती है कि उसमें इम्यून सिस्टम पर एक्ट करती है ताकि बॉडी में कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए. तो उस इस ड्रग को लेने से साइक्लोस्पोरिन बनाने के लिए हमें कई सारे फंजाई का यूज़ है, जैसे ट्राइकोडर्मा का बहुत बड़ा यूज़ है. और इसके अलावा हम सिफेलोस्पोरिन अनदर ड्रग, सिफेलोस्पोरिन भी ये जो ड्रग है ये फंजाई से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है. देर आर लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ मेडिसिंस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई. नाउ एक पॉइंट बायोलॉजिकल कंट्रोल का है जो कि आज हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़माने में चल रहे हैं. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम सॉइल में इतने पेस्टिसाइड्स डाल चुके हैं कि हमको इससे हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल वो प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि हार्मफुल नहीं हैं उन एक ऑर्गेनिज्म की एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी की वजह से दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि हार्मफुल नहीं है. ट्राइकोडर्मा हार्जियनम उसका नाम है. तो उस फंगस की प्रेजेंस सॉइल में अगर होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि और फंजाई जो कि पैथोजेनिक है, जो कि पौधों की रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनके उन इसकी प्रेजेंस की वजह से वो फंजाई जैसे राइजोक्टोटोनिया, ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा दिस फंगस इज एंटागोनिस्टिक टू द ग्रोथ ऑफ राइजोक्टोनिया. राइजोक्टोनिया एक ऐसा फंगस है जो कि रूट्स की रूट टिप में अटैक करता है और पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो होता क्या है कि अगर हम ट्राइकोडर्मा को उस सॉइल में डाल दें तो वो राइजोक्टोनिया के लिए एंटागोनिस्टिक है. वो ट्राइकोडर्मा उसकी ग्रोथ को ख़त्म करते. नॉट ओनली राइजोक्टोनिया बट पीथियम, अनदर फंगस इज पीथियम विच इज ऑल्सो डेंजरस फॉर द क्रॉप्स, उनकी रूट्स में अटैक करता है. तो ट्राइकोडर्मा की प्रेजेंस इन दो फंजाई की प्रेजेंस को प्रिवेंट करती है. तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है एक तरह से. इससे हमें क्या फ़ायदा है कि हमें इनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लिविंग फंजाई को ही डाल के हम दूसरे फंजाई की ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं. म्यूचुअल बेनिफिट्स, कई फंजाई ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को मदद करते हैं. फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई दे लिव विद एल्गी एंड दे फॉर्म लाइकेंस. एक फंगस एक एल्गा के साथ रह के अगर कोई स्ट्रक्चर बनाता है उनको लाइकेंस कहते हैं. और लाइकेंस का रोल
हमारे नेचर में पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है, तो इनके म्यूचुअल बेनिफिट्स होने से ह्यूमन बीइंग्स को भी इससे फायदा है। इसके अलावा माइकोराइजा एक टर्म हम यूज करते हैं, जबकि फंजाई का की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ होती है। एक फंगस अगर यहाँ ग्रो कर रहा है और एक ट्री ग्रो कर रहा है, कई ट्रीज ऐसे हैं जिनको फॉस्फोरस अपटेक नहीं हो पाता, उनमें मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फंगस की वजह से, फंगस के जो माइसीलिया हैं वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और फंगस का रोल क्या होता है कि ज़मीन से फॉस्फोरस या और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और वो देना ट्रीज को, तो ये इनका ये बेनिफिट, ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को अब हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नर्सरीज में, जहाँ हम ट्रीज की नर्सरी बनाते हैं, उन नर्सरीज में हम एक फंगस को, ऐसा फंगस को भी हम ग्रो करते हैं जो कि जिसकी रिलेशनशिप उन सीडलिंग की रूट से होती है। और उन सीडलिंग्स को क्या फ़ायदा होता है इससे कि ज़मीन से जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उनके रूट्स उन मिनरल्स को, ये फंगस उनको एब्जॉर्ब करता है, उस ट्री को देता है। तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा इज गेनिंग सो मच अटेंशन दीज डेज कि आजकल इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के रूप में एक टेक्निक की तरह से यूज़ कर रहे हैं पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बायो रेमिडिएशन क्या है कि अगर सॉइल में बहुत तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा सॉइल ठीक नहीं हो रही है, या हमारे उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, या किसी वाटर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वाटर के पोल्यूशन को रोकने के लिए या सॉइल के पोल्यूशन को रोकने के लिए हम कुछ फंजाई को न्यूट्रिएंट्स के में ग्रो करके उसका स्प्रे करते हैं इस वाटर में। और ये जो फंजाई हैं दे आर नॉट हार्मफुल, बट ये क्या करते हैं कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिन ऑर्गेनिजम्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उनको किल करते हैं और डिकम्पोज उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को करते हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वाटर में। तो आजकल ये टेक्निक भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ फंजाई का यूज़ इसके लिए भी हम करते हैं कि उनको न्यूट्रिएंट में ग्रो करके उन वाटर में उनको डालते हैं जहाँ की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसको ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉडल ऑर्गेनिज्म। आप एजेस से जानते होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि मॉडल ऑर्गेनिजम्स क्या है। रिसर्च के लिए भी हमें ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में अगर किसी कोई रिसर्च हमें उनकी जेनेटिक्स स्टडी करनी है तो हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी चाहिए जिन पर हम पहले टेस्ट कर सकें। तो फंजाई में भी, फंगस ग्रुप में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। न्यूरोस्पोरा जैसे एक फंगस है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट और बहुत फास्ट होती है। न्यूरोस्पोरा को हमेशा एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह से हम यूज़ करते हैं उनकी जेनेटिक्स जानने के लिए, फंजाई की जेनेटिक्स जानने के लिए। तो फंगल जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा, जैसे एनिमल्स में आपने ड्रोसोफिला देख सुना है कि फ्लाई है जिस पर कि हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, तो टेस्ट ऑर्गेनिजम्स लेबोरेटरी में हम न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं। न्यूरोस्पोरा वेरी इंपॉर्टेंट फंगस। इसके अलावा कुछ और फंजाई हैं, सैकरोमाइसिस, इसका तो पूरा सैकरोमाइसिस का तो पूरा जीनोम सीक्वेंस कर चुके हैं हम, इसको यूज करके पूरा जेनेटिक्स में जीनोम सीक्वेंस कर दिया है। और इसके केस में हमें ये पता चला है कि हर जीन का एक स्पेसिफाइड एंजाइम होता है, हर जीन में एक स्पेसिफाइड एंजाइम, पर एवरी जीन हैज एन स्पेसिफाइड एंजाइम। तो ये हमें पता चला न्यूरोस्पोरा की जेनेटिक्स में स्टडी करने से। तो ऐसे फंजाई जो कि हमारी लेबोरेटरी में काम आ रहे हैं जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, तो उनमें न्यूरोस्पोरा का नाम टॉप में है, सैकरोमाइसिस दूसरा फंगस है, बहुत सारे और भी हैं जैसे एस्परजिलस नाइडुलेंस भी है।
एस्परजिलस नाइडुलेंस इज अनदर फंगस जिससे कि हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जीन्स का देखते हैं. तो इन टेस्ट ऑर्गेनिजम्स की तरह से इनकी यूटिलिटी टेस्ट ऑर्गेनिजम्स की तरह से भी है. फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, हमने एक एडिबल फंजाई की बात करी थी. अब हम इनके फूड एंड फूड, इफ यू गो टू जापान और चाइना और प्लेसेस लाइक दैट ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको कई तरह के टेम्पे, मिसो, टोफू, कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं. हिंदुस्तान में भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है इस तरह के खाने जो कि फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं. और उनके फर्मेंटेड फूड बनने की का रीज़न क्या है कि हम कई म्यूकर राइजोपस को उसमें से उनको ट्रीट करते हैं जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये फूड्स बनाते हैं जिनका नाम है मिसो. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फूड ऑफ ईस्ट एशिया टेम्पे. इसके अलावा टोफू, ये टोफू एक तरह का सोयाबीन का पनीर है और इनको बनाने के लिए म्यूकर और राइजोपस की स्पीसीज को हम यूज करते हैं या एक्टिनोम्यूकर एक इम्पॉर्टेंट फंगस है जिसको हम यूज करते हैं. तो ये फूड प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें भी इनका यूज हो रहा है. इसके अलावा ये हमने कुछ बेनिफिशियल एक्टिविटी फंजाई की डिस्कस करी. अब हम देखते हैं कि हार्मफुल एक्टिविटी भी इनकी बहुत सारी हैं. हम सब अच्छी अच्छी बातें फंजाई के लिए कह रहे हैं लेकिन हम देखते हैं हमारी क्रॉप्स का इतना डैमेज होता है. साल हर साल हमारे ट्रीज में फंगस का अटैक हो जाता है या क्रॉप्स में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फंगस के अटैक से हो जाती हैं और उन पार्ट्स में होती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. जितने भी क्रॉप्स हैं उनमें पक्सीनिया का अगर अटैक हो जाता है तो हमारे ग्रेन्स, हमारे लीफ, हमारा पूरी की पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स में वाइट रस्ट डिजीज हो जाती है या और भी कई तरह की डिजीजें हैं. गॉल फॉर्मेशन हो जाता है, पोटैटो में गॉल फॉर्मेशन हो जाता है और बहुत सारी ऐसी सब्जियां या बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनमें इन फंजाई को, ये पैरासिटिक फंजाई दे अटैक, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे लिव इन देम एंड दे बिकम पैथोजन. पैरासाइट के अलावा ये पैथोजन डिजीज भी कॉज करते हैं. उससे खाना तो लेते ही, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम करते ही हैं लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कम करने के साथ साथ ये उसमें डिजीज भी पैदा कर देते हैं जिनको स्लाइड से अभी आप देखेंगे. उसके अलावा ह्यूमन पैथोजन्स, ऐसा नहीं है कि ये फंजाई की सब अच्छी अच्छी बातें हैं. ये फंजाई बहुत सारे ऐसे भी डिजीजेस कॉज करते हैं जो कि फेटल हैं. फार्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, फार्म्स में कई वर्कर्स काम करते हैं जहाँ धान या गेहूं की फसलें होती हैं. धान का जो हस्क होता है बाहर निकालने के लिए उसमें ये कई फंजाई का अटैक हो जाता है एंड व्हेन दीज वर्कर्स दे वर्क देयर उनको वो उसके स्पोर्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और उनमें लंग इन्फेक्शन हो जाता है और लंग इन्फेक्शन की सिम्टम्स बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस की तरह से होते हैं जिसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस. वो ट्यूबरकुलोसिस तो फंगस से नहीं होता है लेकिन बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो फंगस से होते हैं. एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, उसकी फ्यूम्स, स्पोर्स की फ्यूम्स को जो लोग इंजेस्ट कर लेते हैं पूरा लंग इन्फेक्टेड हो जाता है एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एस्परजिलोसिस. एस्परजिलोसिस के अलावा मैंने एर्गोटिज्म आपको बताया कि एर्गट जो स्क्लेरोशिया है, इफ यू ईट दीज स्क्लेरोशिया देयर इज ए आदमी लड़खड़ा के चलता है और अल्टीमेटली गिर जाता है या एनिमल्स, बहुत दफे एनिमल्स के केस में होता है जो ग्रेजिंग करते हैं राई के फील्ड में जहां पर वो घास चरते हैं, वो कई बार इसके स्क्लेरोशिया खा लेते हैं और कुछ टाइम के बाद वो एनिमल्स टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं और फाइनली गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एल्केलॉइड है दैट इज पॉइजनस और ये पॉइजन उनके बॉडी के अंदर चला जाता है जो कि फेटल है और इस तरह के सिम्टम को हम कहते हैं एर्गोटिज्म. इनको एर्गोटिज्म हो गया जिसकी वजह से इस एनिमल की डेथ हो गई. नॉट ओनली दिस, कई तरह के स्किन डिजीजेज, रिंग वॉर्म या एथलीट फुट या बहुत सारे धोबी इच,
हम कई बार धोबी को कपड़े देते हैं और वहाँ से वो कपड़े लगातार पहनते रहिए तो धोबी के यहाँ से भी फंगस अटैक हमको हो जाता है और सारी बॉडी में खुजली शुरू हो जाती है और वो तब तक नहीं जाती जब आप उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं लोगे। तो ये धोबी ईच भी फंगस फंजाई से ही होता है और कई बार आप फेसेस देखेंगे किताबों में, इसके कई फोटोग्राफ्स में अभी आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि फेस पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। फंगस का अटैक अगर हो गया तो फेस डिस्टॉर्टेड है, हाथ डिस्टॉर्टेड, गम्स के अंदर अटैक हो जाता है। तो ये एनिमल एंड वर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस भी आते हैं, उनमें भी इसकी डिजीज गाय या भैंस या इस तरह के कैटल में भी, उनके पैरों में या उनके माउथ में जहाँ पर वो घास चरते हैं वहाँ पर भी इनका, इन फंजाई का अटैक होने से दे बिकम वेरी हार्मफुल। तो ये इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने की वजह से देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि फंजाई का ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट है कि इनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए। क्योंकि आज तक हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या कोई प्लानिंग की बात करते हैं अपनी कंट्री में, तो फंजाई का भी उतना ही रोल है जो कि जितना कि बैक्टीरिया का है। तो इनको भी हमारे इस तरह के जो प्लान्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हुए, चीज मेकिंग, एंजाइम प्रोडक्शन, एल्कोहल प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन, बेकरी ब्रूअरी इंडस्ट्री में, या इनकी हार्मफुल या यूजफुल इफेक्ट्स देखते हुए, वी शुड गिव देम स्पेशल प्लेस इन अवर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब मैं आपको थोड़ा स्लाइड से इन फंजाई के बारे में बताना चाहती हूँ। फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के संदर्भ में अब ये कुछ स्लाइड्स आपके सामने हैं, जिसमें स्लाइड को देख के कुछ इंटरेस्ट आपको आएगा। ये पहली स्लाइड है एडिबल फंजाई की। हमने एडिबल फंजाई के बारे में डिस्कस किया था, उसमें कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि खाने के योग्य हैं, जिसमें से एगेरिकस, मोरकेला और कई सारे स्पीसीज इन फंजाई की हैं जो कि नेचर में मिलती हैं, और इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हैं, इनकी कई तरह की डिशेस अब पॉपुलर हैं। दूसरी जो स्लाइड दिखा रहे हैं, ये स्लाइड उन फंजाई की है जो कि मेडिसिन के लिए यूज़ हो रही हैं, एस्परजिलस नाइगर है या रोडोटोरुला है या ये पेनिसिलियम है और ये ट्राइकोडर्मा है, इनको ये मेडिसिन की तरह से हम यूज़ करते हैं। ये आपने पेनिसिलिन, रेडीमेड पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो लगता है वो देखा है, ये पेनिसिलियम से बनता है। इसके बाद तीसरा जो स्लाइड है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, जिसमें कि ये फंगस आप देख रहे हैं, ये न्यूरोस्पोरा है जो कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह से यूज़ होता है। ये पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम को हम कई एसिड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं और चीज़ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। पेनिसिलियम कमम्बर्टाई की स्लाइड है, और इसके अलावा ये रोडोटोरुला ग्रो करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें ये सारे फंजाई जो हैं किसी न किसी काम आ रहे हैं। ये एक फंगस है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है, ये जिब्रेला फंगस है। जिब्रेला का रोल क्या है कि ये प्लांट हार्मोन बनाता है, एक तरह का हार्मोन बनाता है। इसका पता कैसे चला हमको कि जिब्रेला सॉइल में ग्रो करके उन राइस के प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा इलोंगेट कर दे रहा था, उनके जो स्टेम्स को। तो इससे ये मालूम हुआ कि इस जिब्रेला से कोई हार्मोन निकलता है जो कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, और यही इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके, जिब्रेला की ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके अब
जिब्रेलिन से एक सब्सटेंस निकाला गया है जो कि प्लांट हार्मोन की तरह से बहुत पॉपुलर है। तो ये वो फंगस है जो कि जिब्रेलिन प्रोड्यूस करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंगस है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स ये हायर ऑल्टीट्यूड में ये फंगस मिलता है, लेकिन इसका पूरी लाइफ साइकिल इंसेक्ट के अंदर चलती है। इंसेक्ट्स के अंदर ये इन्वेड करता है और जब फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं रिप्रोडक्शन के बाद, ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं कॉर्डिसेप्स की, जिसको हम कीड़ा घास कहते हैं। कीड़ा घास का बहुत नाम आपने सुना होगा और इसका इतना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है कि अब लोग इसके लिए चेक भी कर रहे हैं कि इससे ये सारा का सारा कीड़ा घास हमारा जो हाई ऑल्टीट्यूड में है वो ख़त्म होने के कगार में है। क्यों इसका इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? क्योंकि ये पता चला है कि जो इसके पेरिथीशियाँ हैं, जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, इनसे एक ड्रग निकाली जा रही है जो ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसकी स्लाइड, ये जो ड्रग है कॉर्डिसेप्स से, ये बॉटल के अंदर आपको दिखाई पड़ रही, ये कीड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर पूरा ये फंगस ग्रो करता है और सिर्फ इसकी फ्रूटिंग बॉडी बाहर निकलती है। तो इसके स्ट्रोमेटा हैं ये जो बाहर निकल रहे हैं फ्रूटिंग बॉडीज, जिससे कि ये कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस कैप्सूल्स बन रही हैं जो एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वुड रॉटिंग फंजाई, कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो कि नुकसान करते हैं हमारे ट्रीज़ का। ट्रीज़ में ये बरसात में आपने देखा होगा पौधों के तनों में इस तरह के फंजाई लगे हुए, जो कि धीरे धीरे एंजाइम्स के थ्रू उनका सब लिग्निन कंटेंट जो होता है उसको ख़त्म कर देते हैं और पेड़ को बिल्कुल खोखला बना देते हैं। तो ये तीन फंजाई जो दिखा रखे हैं ये वो फंजाई हैं जो कि वुड को रॉट करते हैं, हार्ड वुड, और उसका ख़त्म कर देते हैं और वाइट रॉट डिजीज़ इसमें कॉज करते हैं। उससे पौधे ट्री की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है और पौधा पेड़ बिल्कुल खोखला अंदर से हो जाता है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। ये पॉइजनस फंजाई, हमने अभी अच्छी बातें सब फंजाई के बारे में करी, हम हर मशरूम को एडिबल नहीं मान सकते हैं। कुछ मशरूम्स ऐसे भी हैं नेचर में जिनको अगर खाया जाए तो वो फेटल होते हैं, वो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं और आदमी के लिए वो फेटल होते हैं या एनिमल्स के लिए फेटल होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं उन मशरूम्स की जो कि फेटल हैं। जितने बढ़िया देखने में मशरूम्स होंगे, जितने ब्राइट कलर के होते हैं, जनरली ये माना जाता है कि ब्राइट कलर के मशरूम्स अक्सर पॉइजनस होते हैं। आपने देखा क्लेविसेप्स परपुरिया, ये स्क्लेरोशिया हैं, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये क्लेविसेप्स में एर्गट, जो मैंने आपको बताया था कि एर्गट से एर्गोटिज्म हो जाता है, और थोड़ी सी क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो उससे एक यूज़फुल ड्रग भी बनती है। तो ये वही पौधा है जो कि राई के प्लांट में ग्रो कर रहा है और उसमें स्क्लेरोशिया बना रहा है अपने। ब्लैक वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हार्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्क्लेरोशिया। ये म्यूकर की स्पीसीज हैं जो कि एसिड प्रोडक्शन में काम आती हैं और कई तरह के एंजाइम्स प्रोडक्शन में भी काम आती हैं, लोअर फंगस हैं। तो फंजाई दैट कॉज डिटेरियोरेशन, आपने देखा होगा, आपने अगर संतरा खरीदा है, कुछ दिन आपने उसको यूज़ नहीं किया, बाहर रख लिया, तो उसमें फंगस ग्रो करता हुआ आपने देखा है। फ्रूट आइटम्स ही नहीं बल्कि फूड आइटम्स में भी, और बाकी लेदर के आइटम्स, या मैंने बताया था आपको कि तस्वीरों में भी, और या शूज़ में भी, या किसी और चीज़ में भी, कपड़े में भी। कई बार आपके छाता गंदी हो जाती है, आप ले जाने से कतराते हैं उसको, क्योंकि वो उसका दाग कभी निकलता ही नहीं। तो वो डिटेरियोरेशन है। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो उसको सड़ाते तो नहीं हैं लेकिन उसकी शक्ल ख़राब कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फंगस की ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ इसमें हुई है, और अगर इसको कुछ दिन और रहने देंगे तो यही फंगस इसके अंदर पेनिट्रेट करके इसको बिल्कुल बुरी हालत में कर देगा। तो ये फंजाई वो हैं जो डिटेरियोरेशन में अपना रोल अदा करते हैं। यहाँ पर आप डिटेरियोरेशन का ही दूसरा एग्जांपल ये है, जहाँ पर सीट्रस फ्रूट धीरे धीरे ख़राब हो रहा है,
पहले डिटेरोरेशन इसका हुआ, उसके बाद ये सिर्फ इसमें फंगस ग्रो करके ये आप देख रहे हैं बिल्कुल श्रिवल्ड, एकदम मुड़ा तुड़ा हो गया है क्योंकि फंगस की वजह से। तो ये हमारा फूड आइटम्स को भी ख़राब करने में मदद करते हैं। अब हम प्लांट डिजीज़ को देखते हैं। ये स्कैब डिजीज़ पोटैटो की है, पोटैटो की एक्सटर्नल फीचर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल गड़बड़ा गए हैं फंगस के अटैक की वजह से। तो ये पाउडरी स्कैब डिजीज़ है। इसी तरह से आप लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत ही कॉमन फंगस है जो कि आलू में, आलू के वैरायटीज़ में इसका, इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। पहले पत्तियों में आते हैं, फिर तने में आते हैं और अल्टीमेटली इसके लोअर सरफेस में ये डिजीज़ पहुंच जाती है और हमारी क्रॉप, पूरी की पूरी क्रॉप गड़बड़ा जाती है। इस बीमारी को हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। ये वाइट रस्ट आप देख रहे हैं, जो क्रूसीफेरस प्लांट्स हैं ब्रेसिका फैमिली के, ब्रेसिकेसी फैमिली के, उसमें आप देख रहे हैं वाइट रस्ट सिम्टम्स। ये पत्तियों में सब, जो पत्तियां खाने के काम आती हैं, सब सब्जी की तरह से, साग की तरह से, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगस है जो कि वाइट रस्ट डिजीज़ कॉज कर रहा है। इस पूरा का पूरा या तो ये पत्तियों में इस तरह के लेजन्स बना देता है, या आप देख रहे हैं स्टेम्स बहुत ही डिफॉर्म्ड हो गए हैं, मोटे मोटे स्टेम्स हो गए हैं, तो पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो रही है। इस ये लेट ब्लाइट के पोटैटो ट्यूबर्स में, शुरू में आपने देखा था लेट ब्लाइट पत्तियों में आपने देखा था सिम्टम्स, अब आप वही सिम्टम्स जब बिल्कुल लोअर पार्ट्स में चले गए, ज़मीन के अंदर जो बेरी पार्ट है पोटैटो का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें इस तरह के सिम्टम्स बना देता है जो कि खाने योग्य इसको नहीं रखता है। ये एक बीमारी है जो कि कई सारे फ्रूट प्लांट्स में या हमारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स में टेफ्राइना नाम के फंगस से होती है, जो कि पीच, जो आड़ू के पेड़ हैं, आड़ू के बगीचों में कभी आप जाएं तो उसके पत्तियों में आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। ये जो गॉल्स हैं, ये लीफ इसकी कर्ल हो जाती है, मुड़ तुड़ जाती है और गॉल की तरह से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और ये हमारा क्रॉप, पूरी के पूरे हमारे ऑर्चर्ड्स, पीच के ऑर्चर्ड्स खराब हो जाते हैं। दिस इज अगेन एरिसाइफी, एक फंगस जिसने, जो कि रोजेसी फैमिली, हमारे गार्डन फ्लावर्स जो हैं कई सारे फ्लावर्स में और बाकी रोजेसी फैमिली में इस तरह के सिम्टम्स कॉज करता है पत्तियों के ऊपर, पाउडरी मास जिसको हम कह रहे हैं पाउडरी मिल्ड्यू। दिस इज एप्पल स्कैब वेंचूरिया, एक फंगस है जो कि एप्पल की लीफ में पहले इन्वेड करता है, उसके बाद ये उसके फ्रूट में इन्वेड करता है और फ्रूट बाहर से ठीक दिखेगा लेकिन आप उसको काटेंगे, कई बार आपने नोट किया होगा कि अंदर से उसमें येलो एकदम या ब्लैक पैच दिखाई पड़ता है उसके पल्प में, तो वो एप्पल स्कैब डिजीज़ है। एप्पल स्कैब सिम्टम्स ये फ्रूट में शुरू हो गए हैं, काटने के बाद अंदर भी आपको यही ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो कि इसको खाने योग्य नहीं रखता है। ये पक्सीनिया एक फंगस है जो कि ब्लैक रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। ये इसके सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसका ऑल्टरनेट होस्ट है और ये आप येलो स्ट्राइप रस्ट वीट में, वीट की जहाँ ग्रोथ होती है क्रॉप की, उसमें कई बार आपको ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। ये पक्सीनिया बड़ा हैवक कॉज करता है, पक्सीनिया स्ट्रेटिफॉर्मिस स्ट्रेटिसाई इसका नाम है। ये स्ट्रीक्स ऑफ यूरिडोस्पोर्स इसमें बन जाते हैं और ये पूरी की क्रॉप गड़बड़ हो जाती है इसकी वजह से। ब्लैक स्टेम रस्ट आप देख रहे हैं इसमें, ये जो स्टेम्स में बीमारी हो रही है, ये पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई के यूरेडिनिया स्टेम में दिखाई पड़ रहे हैं, अभी अर्ली स्टेज में है, बाद में यही सिम्टम्स बिल्कुल ब्लैक बन जाएंगे। तो अब फंजाई, जो ऐसे फंजाई हैं जो ह्यूमन एंड एनिमल डिजीजेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइनो सेरिब्रल मैक्रोमाइकोसिस, ये फंगस का अटैक हो गया जिसकी वजह से पूरी आँख भी सोलन हो गई है और ये फेटल भी बहुत दफ़े हो जाता है। सिमिलरली आप देख रहे हैं ये
पैर के पंजों में, गैंग्रीन ऑफ फिंगर टिप्स एंड लॉस ऑफ टोज, टोज खत्म हो गई है इसके फंगस के अटैक की वजह से, एर्गोटिज्म की वजह से। तो ये फंजाई कितने डेंजरस भी हो सकते हैं, ये आपको इन स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहती थी। डर्मेटोमाइकोसिस, ये स्किन पर जो इन्फेक्शन फंजाई का हो जाता है वो बहुत मुश्किल से जाता है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन रिंग के फॉर्म में होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है इससे। तो ये हमेशा डर्मेटोमाइकोसिस इस बीमारी को या रिंग वॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं, ये फंगस की वजह से होता है। इसके लिए फिर बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेल्स में, नाखूनों में फंगस का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से नाखून डिफॉर्म्ड हो गए। तो ये बहुत डेंजरस फंजाई भी कई बार होते हैं। ये मुंह में आप कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये जीभ में देखिए, पूरी जीभ भरी हुई है इस कैंडिडा की वजह से, और ये बहुत खतरनाक बीमारी कैंडिडा की वजह से, जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं, माउथ थ्रश जिसको बोलते हैं। वाइट पस्टूल्स आप टंग में देख रहे हैं फंगस के ग्रोथ की वजह से। इसी तरह से क्रिप्टोकोकोसिस फोरहेड में, माथे पर ये पैचेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि दाने की तरह से हो जाते हैं, और इससे पूरी फेस की डिफॉर्मिटी हो जाती है। एक स्लाइड इसमें मिसिंग है जो कि पूरा फेस डिफॉर्म्ड है। इस तरह के जो आपको पैचेस दिख रहे हैं या लेजन्स दिख रहे हैं, ये पूरा फेस भर गया है इससे, और फेस की शक्ल ही बदल गई है, बिल्कुल उभरा हुआ फेस हो गया है। तो क्रिप्टोकोकोसिस जो बीमारी है, क्रिप्टोकोकस एल्बिकेंस से होती है, तो ये इनका जाना बहुत मुश्किल होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मा एक फंगस है जो कि गम्स में बीमारी कॉज करता है, पूरे गम्स उससे खराब हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड गम्स हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन पैथोजेंस हैं, और ये एनिमल में आप देखें गैंग्रीनस एर्गोटिज्म ऑन हाइंड लिम्स एंड ईयर ऑफ कैटल, कैटल के ईयर में और ये हाइंड लिम्स में आप ये बीमारी देख रहे हैं फंगस के अटैक की वजह से। ये लास्ट स्लाइड थी जिससे आपको पता चला कि कितने तरह की फंजाई किस किस तरह से हमारे एनिमल्स को, हमारे वर्टिब्रेट्स को और हमारे प्लांट्स को नुकसान देते हैं।